हेलो मतलब एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता योर आई एजुकेटर फॉर क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक

राइट right. सो so, आपकी ये जो बुक है क्लास नाइन्थ आई इसका थ्योरी पार्ट भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है मतलब पार्ट ए इंप्लाइए स्किल्स पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो वन शॉट लेक्चर्सिजन असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स वगैरह एवरीथिंग भी कंप्लीटेड एक्सेस कर सकते हो आप इन्हें यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू भी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मैग्नेट वेबसाइट का यूज करके या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को हंड्रेड फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो एंड रिमेंबर इसके लिए आपको कोई कोई पेमेंट नहीं करना है और ना ही कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है राइट right? सो so, इस चैप्टर में बेसिकली हमने जाना था कि जब आप एक्सेल में वर्कशीट में डेटा को एंटर करते हो सो so कैसे आप उस एंटर डेटा को एडिट कर सकते हो फॉर्मेट कर सकते हो कौन कौन से टूल्स टेक्निक्स अवेलेबल होते हैं ठीक है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट को आप कैसे एक्सेल शीट में इंसर्ट करते हैं

और यहाँ पर आपको कुछ टैब्स शो हो रहे हैं रिबिन एरिया में फाइल होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मलाज डेटा रिव्यू व्यू हेल्प टिप उसी के साथ कुछ ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर ग्रुप्स में शो हो रहे हैं राइट right? देन इस वर्कशीट पे शीट फोर पे आज हम काम करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि चार्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है चार्ट्स ग्राफ्स को प्रिपेयर करने के लिए जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी टेबुलर डेटा का यदि आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं तो बेसिकली हम चार्ट्स ग्राफ्स का यूज करते हैं और इसके लिए आपके पास कुछ टेबलेट डेटा होना चाहिए तो फर्स्ट जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है बिल्कुल वैसा ही हम टेबलर डेटा क्रिएट कर लेते हैं वर्कशीट को थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं ताकि आपको डेटा विजिबल हो सके स्टूडेंट डेटा यहाँ पे हम बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं नेम देन मार्क्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश के मार्क्स आपको यहाँ पे विजिबल करवाने देन हिंदी के मार्क्स एंड ऑफकोर्स इसका टोटल इंग्लिश हिंदी के मार्क्स और इसका टोटल हमें कैलकुलेट करवाना है राइट सो नेम एंटर कर लेते हैं वन बाय वन यहाँ पर अंजू मंजू रंजना कीर्ति हेमंत ये फाइव स्टूडेंट्स के नेम मैंने यहाँ एंटर किए हुए हैं और अब इनके कुछ मार्क्स हमें एंटर कर लेते हैं ना अब इसका टोटल आपको कैलकुलेट करवाना है तो टोटल के लिए हमने फंक्शन और फॉर्मूलाज पढ़ा ही है आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से टोटल अप्लाई कर सकते हो लाइक इस तरीके से आपने सेल को सिलेक्ट करना है प्लस साइन यूज करना है देन नेक्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लेना है एंटर प्रेस करोगे तो टोटल यहाँ कैलकुलेट हो जाएगा या फिर आप सम फंक्शन का भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सेल आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस सेल का आपको टोटल कैलकुलेट करवाना है तो सेल रेंज सेलेक्ट कर लिया पहले क्लोज किया प्रेस किया तो टोटल आपके सामने अब आप चाहो तो यहाँ पे इसे ड्रैग भी कर सकते हो फिल हैंडल टूल की मदद से सो सारे टोटल्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर शो हो जाएंगे सो होप यू अंडरस्टैंड कि ये टेबल हमने कैसे क्रिएट किया हुआ है टेबल में डेटा कैसे एंटर किया है अब इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको ये टेबल प्रॉपर एक टेबलर फॉर्मेट में दिखे देन विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इंसर्ट दी चार्ट ओके सो यहाँ पर सबसे पहले इस टेबल को टेबलर फॉर्मेट में करने के लिए हम बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं लाइक ऑल बॉर्डर टेबल के हेडर को हम यहाँ पर बोल्ड सेट कर लेते हैं आदर यू कैन अलाइन इट आप इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हो अब जैसे आपको पता है कि नेम जो होता है टेक्चुअल डेटा होता है तो वो डिफॉल्ट आपको लेफ्ट अलाइन दिख रहा है और नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली राइट अलाइन होते हैं सेल के तो आपको उसी फॉर्मेट में यहाँ डेटा दिख रहा है क्लियर आप चाहो तो यहाँ पर इसे भी सेंटर अलाइन कर सकते हो क्लियर ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इन्हें सेंटर अलाइन नहीं कर सकते जैसा अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है वैसा ही रहता है ओके okay, सो so हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है, जिसमें स्टूडेंट के पांच स्टूडेंट के नेम है उनके इंग्लिश हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और साथ ही आपको उनके टोटल मार्क्स भी शोर हैं टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया अब डिस्कस करते हैं कि चार्ट्स को आप कैसे इंसर्ट करते हैं पहली बात तो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हमने इस चैप्टर में पढ़े थे जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पाई चार्ट कॉलम चार्ट बार चार्ट डोनट चार्ट स्कैटर चार्ट एरिया चार्ट लाइन चार्ट अब इन्हीं सारे चार्ट्स को हम यहाँ देखेंगे इवन एक्सेल इनके अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स को सपोर्ट करता है ठीक है सो चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट टैप पर क्लिक करते हैं कौन सा टैप पर इंसर्ट टैप पर देखो मेरा माउस कर्सर इंसर्ट टैप पर है जैसे इंसर्ट टैप पर क्लिक किया तो आपको फर्दर यहाँ फिर कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं टेबल्स फिल्टर्स लिंक्स टेक्स्ट सिम्बल्स सो so, यहाँ पे बेसिकली हमें चार्ट्स को इंसर्ट करना है सो so, इसके लिए आप इस ग्रुप का यूज करोंगे, चार्ट ग्रुप का जिसमें देखो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेड चार्ट्स आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है देख रहा है रिकमेंडेड चार्ट मतलब की वॉन्ट टू रिकमेंड अ गुड चार्ट टू शो केस यूर डेटा आपने जो डेटा सेलेक्ट किया हुआ है जो डेटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके लिए यदि आप कुछ रिकमेंडेड एक्सेल के थ्रू रिकमेंडेड कुछ चार्ट उनका यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो सो फर्स्ट सेलेक्ट द डेटा इन योर वर्कशीट एंड क्लिक दिस बटन टू गेट अ कस्टमाइज सेट ऑफ चार्ट वी थिंक विल फिट बेस्ट टू डेटा सो so, आपको सबसे पहले क्या करना है किसी भी चार्ट को इंसर्ट करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना है, so, कर है. है. कर जैसे ही मैं रिकमेंडेड चार्ट क्लिक करती हूँ तो इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाता है दिस इज इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स क्लियर जिसमें रिकमेंडेड चार्ट एंड ऑल चार्टो टाइप बेसिकली आपको यहाँ मिलते हैं कौन से रिकमेंडेड चार्ट एंड ऑल चार्ट स्टैप रिकमेंडेड चार्ट में देखो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट चार्ट्स शो हो रहे हैं जैसे हम यहाँ पे बात कर लें बार चार्ट की कॉलम चार्टस की ठीक है हॉरिजोंटल कुछ बार्स के फॉर्मेट में चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रोल डाउन करोगे तो आपको इस तरीके से बबल या स्कैटर चार्ट शो होगा राइट सो यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट शो हो रहे हैं जो रिकमेंड कर रहा है बेसिकली अपने डेटा के अकॉर्डिंग जो डेटा आपने सिलेक्ट किया है आप चाहो तो यहाँ से चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप जब ऑल चार्ट टैप पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक्सेल में जितने भी चार्ट हैं वो सब आपको शो हो रहे हैं आप कॉलम चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो लाइन चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो पाई चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो बार चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो एरिया चार्ट एक्स वाई स्केटर चार्ट मेप चार्ट स्टॉक चार्ट सर फेस ट्री मेप सनबर्स्ट हिस्टोग्राम बॉक्स एंड विस्कर वाटरफॉल फनल कॉम्बो है ना ऐसे डिफरेंट चार्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जिन्हें आप प्रिपेयर कर सकते हो और जिस भी चार्ट पे मैं क्लिक करूंगी तो राइट साइड में देखो उसका व्यू आपको दिखेगा उसका प्रीव्यू दिखेगा सपोज मैंने क्लिक किया लाइन चार्ट पे तो देखो लाइन चार्ट कैसा दिखता है आपको राइट और जैसे ही राइट साइड में मैं चार्ट पे कर्सर लेकर जा रही हूँ तो आपको यहाँ पे फुल डायलॉग बॉक्स फ्री चार्ट भी विजिबल हो रहा है इसी तरीके से यदि मैं पाई चार्ट कर क्लिक करती हूँ तो आप देखो यहाँ पे पाई चार्ट इस तरीके से शो होता है सर्कुलर चार्ट होता है पढ़ा है हमने बार चार्ट क्लिक करती हूँ तो बार चार्ट आपको इस तरीके का दिखता है so, आपके के बार चार्ट इस तरीके से दिखना है एरिया चार्ट क्लिक करती हूँ तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग इस तरीके से शो होगा मेप पर क्लिक करूंगे तो देखो मेप इस तरीके से विजिबल होगा राइट स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक चार्ट इस तरीके से होगा रडारे क्लिक करोगे तो रडार इस तरीके से शो होगा ठीक है सो ऐसे आपको डिफरेंट चार्ट पे विजिबल हो रहे हैं

क्लिक द एरो टू सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटर एंड बबल charts अवेलेबल एंड पॉज the पॉइंटर ऑन द icons टू सी अ preview इन योर डॉक्यूमेंट देखो स्कैटर चार्ट क्या होता है बेसिकली ये चार्ट टाइप जो है आपको रिलेशनशिप शो करता है अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज के बीच में जैसे यहां पे हमने टेबल में इंग्लिश हिंदी टोटल के मार्क्स लिया हुए हैं तो जो चार्ट बनेगा बेसिकली वो इंग्लिश हिंदी टोटल इन तीनों के लिए बनेगा और इन तीनों में रिलेशनशिप आपको बताएगा कि नेम के अकॉर्डिंग जो ये फाइव स्टूडेंट्स के नेम आपने एंटर किए उसके अकॉर्डिंग चार्ट किस तरीके से दिखने वाला है सपोज आई क्लिक हियर ऑन स्कैटर चार्ट मैं इस चार्ट पे क्लिक करती हूँ ठीक है अब स्कैटर चार्ट भी अलग अलग टाइप से होते हैं जिस भी चार्ट पे देखो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, वो चार्ट आपको यहां पे नीचे शो हो रहा है ठीक है स्कैटर चार्ट यदि बबल्स के फॉर्मेट में चाहिए तो इस तरीके से शो होगा यदि आपको स्कैटर चार्ट हर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ज्वाइन करके लाइन के फॉर्मेट में चाहिए तो वो के फॉर्मेट में विजिबल हो जाएगा करवी लाइन्स चाहिए तो करवी लाइन्स के फॉर्मेट में शो होगा वहीं आपको इस तरीके की लाइन्स चाहिए तो स्ट्रेट लाइन्स के फॉर्मेट में शो हो जाएगा राइट तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से स्कैटर चार्ट विजिबल हो रहे हैं जैसे आपको डिस्प्ले करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले करवा सकते हो जैसे मार्कर्स लाइन्स शो करवाना है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्प्ले करवा सकते हो सपोज मैंने फिलहाल यहाँ पर इस फर्स्ट वाले स्कैटर चार्ट पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे हमने जो डेटा सिलेक्ट किया हुआ है हमने जो डेटा किया हुआ है है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कैटर स्कैटर चार्ट चार्ट शो हो रहा राइट right? अब इस चार्ट में आप ध्यान से देखो क्या क्या चीजें आपको बेसिकली दिख रही है इस स्कैटर चार्ट में आपको चार्ट का टाइटल दिख रहा है अब चार्ट में दो एक्सेस होती है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ये आपको अच्छे से पता है सो स्कैटर चार्ट की हम बात कर रहे हैं तो वाई एक्सेस पे है मार्क्स हिंदी इंग्लिश टोटल ये मार्क्स का स्केल आपको दिख रहा है और वहीं एक्सएक्स पे आप देखो फाइव स्टूडेंट्स हैं तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से आपको नंबर्स के फॉर्मेट में स्टूडेंट शोर है ठीक अब यहाँ पे जो आपको मार्कर्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको बेसिकली ब्लू कलर ऑरेंज कलर एंड ग्रे कलर से दिख रहे हैं आपको ये कुछ मार्कर्स ये मार्कर्स ही बेसिकली इन मार्क्स को इंडिकेट कर रहे हैं जो मार्क्स यहाँ पे आपने एंटर किए ना इन मार्क्स को ये मार्कर ही इंडिकेट कर रहे हैं राइट right. अब कैसे इंडिकेट कर रहे हैं देखो इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है ब्लू कलर के जो मार्कर है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स को डिस्प्ले कर रहे हैं ठीक है इस तरीके से देखो फर्स्ट स्टूडेंट अंजू के 65 मार्क्स है तो ये 60 से जस्ट ऊपर आपको ब्लू मार्क दिख रहे हैं मंजू के सेवेंटी है तो सेकंड स्टूडेंट मंजू है उसके सेवेंटी मार्क्स ब्लू कलर से यहाँ इंडिकेट हो रहे हैं इसी तरीके से फाइव स्टूडेंट्स के जो ब्लू कलर के मार्क्स है वो बेसिकली इंग्लिश के मार्क्स है वन टू थ्री फोर फाइव इंडिकेट कर रहे हैं अंजू मंजू रंजना कीर्ति हेमंत को और ऑरेंज ब्लू और ग्रे जो सर्कल वाले सिंबल से बेसिकली मार्कर्स हैं वो इंग्लिश हिंदी और टोटल मार्क्स को डिस्प्ले कर रहे हैं राइट आप इन्हें ज्वाइन करके लाइन चार्ट भी डिस्प्ले करवा सकते हो जैसे अभी हमने स्कैटर चार्ट में देखा अब जैसे ही चार्ट यहां पे इंसर्ट होता है बेसिकली जैसे ही चार्ट यहां पे इंसर्ट होता है तो आप देखो ऊपर चार्ट डिजाइन टैब ओपन हो जाता है कौन सा टैब चार्ट डिजाइन टैब और उसी के साथ एक फॉर्मेट टैब भी आपको यहाँ पे दिखता है ठीक है चार्ट डिजाइन टैब के थ्रू आपने ये जो चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है जो क्रिएट किया हुआ है इस चार्ट को आप डिफरेंट टाइप से सेट कर सकते हो मतलब इस चार्ट को आप अलग डिज़ाइन में सेट कर सकते हो चार्ट स्टाइल्स के थ्रू जैसे आपके पास फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं बिल्कुल वैसे यहाँ पे अलग अलग चार्ट स्टाइल्स भी अवेलेबल होते हैं टेबल स्टाइल्स हमने अप्लाई किया था वैसे ही अब चार्ट स्टाइल देख लो यहाँ पे ये चार्ट सिलेक्टेड है जिस भी चार्ट स्टाइल पे मेरा कर्सर मूव करेगा चार्ट में उस तरीके का आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा जैसे मैंने इस वाले पर्टिकुलर चार्ट स्टाइल पे कर्सर मूव किया तो देखो चार्ट स्टाइल में मार्कर्स आपको दिख रहे हैं चेंज हो गए राइट मार्कर्स आप देख रहे हैं पे चेंज हो गए नेक्स्ट चार्ट स्टाइल पे पॉइंटर गया तो यहाँ पे देखो आप चेंजेस दिख रहे हैं ठीक है इसी तरीके से नेक्स्ट चार्ट स्टाइल पे मेरा पॉइंटर मूव किया है तो चार्ट में जो मार्कर्स है वो आपको चेंज होते हैं दिख रहे हैं जिस भी तरीके का स्टाइल आप सिलेक्ट करोगे उस तरीके का बेसिकली चार्ट आपको विजिबल होगा राइट सो चार्ट स्टाइल को और एक्सप्लोर करना है तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो आपको मोर चार्ट स्टाइल्स शो हो जाएंगे क्लियर इसी के साथ यहाँ पे आपको यदि चार्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है ठीक है तो आप चार्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हो या आपको इसका लेआउट देखना है क्विक लेआउट तो आप इसका क्विक लेआउट चेक कर सकते हो कलर चेंज करना है चार्ट में कोई तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो राइट सो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो चार्ट डिजाइन से रिलेटेड ऑप्शन आपको दिख रहे हैं क्लियर इसी के साथ देखो यदि आपको रो कॉलम को स्विच करना है यहाँ पे टेबल में जो आपके एग्जिस्टिंग टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपने चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है इसमें यदि किसी रो कॉलम को आपको स्विच करना है या डिलीट करना है या बदलना है तो आप इजिली स्विच भी कर सकते हो रो कॉलम को यदि आपको कोई डेटा सिलेक्ट करना है तो आप डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हो मतलब अदर देन रेंज में आपको कुछ डेटा सिलेक्ट करना है ठीक है तो आप वो भी कर सकते हो बेसिकली ना इसी के साथ यदि आप चेंज करना चाहते हो चार्ट का टाइप यहाँ पे स्कैटर चार्ट आपको दिख रहा है यदि इसका टाइप आपको बदलना है तो आप चार्ट टाइप भी बदल सकते हो और आप चार्ट को मूव भी कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे तो ये चार्ट डिजाइन में कुछ ऑप्शन यहाँ विजिबल होते हैं जिन्हें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे फॉर्मेट टैब भी यहाँ अवेलेबल होता है फॉर्मेट टैब में देखो जो आपने यहाँ पे चार्ट इंसर्ट किया है उससे रिलेटेड आपको फॉर्मेटिंग ऑप्शन बेसिकली मिल जाते हैं और ढेर सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ठीक है चार्ट का स्टाइल आपको बदलना है शेप स्टाइल बदलना है मतलब चार्ट आपको जिस तरीके से दिख रहा है कलर वगैरह बदलना है इसकी बॉर्डर चेंज करना है जिस भी स्टाइल पर मेरा पॉइंटर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस यहाँ पे शो हो रहे होंगे आपको इस चार्ट को फिल करना है किसी कलर से तो आप शेप फिल कर सकते हो आउटलाइन सेट करना है कोई इफेक्ट सेट करना है तो इफेक्ट सेट कर सकते हो ठीक है वर्ड आर्ट स्टाइल इसमें जो लिखे हुए वर्ड्स हैं उन्हें बदलना है तो आप वर्ड आर्ट स्टाइल भी बदल सकते हो देखो वर्ड आर्ट स्टाइल पे जैसे ही मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है तो अलग अलग तरीके से जो लिखे हुए थे वर्ड्स एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वो चेंज हो रहे हैं ठीक है आप देख सकते हो ये ब्लू कलर से सेट हो गए ये ब्लैक कलर से सेट हो गए डिफॉल्ट ग्रे कलर में ब्लैक कलर से यहाँ पे देखो सेट हो गए ये ब्लू कलर से आपको चार्ट में चेंजेस दिख रहे होंगे टेक्स्ट को आपको फिल करना है टेक्स्ट में कोई कलर फिल करवाना है उसके आउटलाइन सेट करना है टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स आपको सेट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो जो शेप आपने चार्ट में सेट किया है शेप का स्टाइल और जो यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का स्टाइल दोनों आप यहाँ से बदल सकते हो उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो राइट right. यदि आपको चार्ट के साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाना है अल्टरनेट टेक्स्ट तो आप वो भी डिस्प्ले करवा सकते हो अरेंज ग्रुप से आपने यदि कुछ इमेजेस को ऐड किया हुआ है उन्हें ग्रुप करना है उन्हें अलाइन करना है रोटेट करना है है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल साथ ही आप हाइट भी सेट कर सकते हो चार्ट की राइट right? राइट right, तो बेसिकली वापस चार्ट पे आते हैं जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चार्ट का टाइटल शो हो रहा है दिस इज कॉल्ड लीजेंड जो इंग्लिश हिंदी टोटल के मार्क्स आपको अलग अलग मार्कर्स में शो हो रहे हैं इसके अलावा भी चार्ट में बहुत सारे कि, किस तरीके से शो होता है वापस आते हैं इंसर्ट टैब पे और इंसर्ट टैब से पहले हम डिफरेंट डिफरेंट चार्ट को देख लेते हैं बाद हम उसपे फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग को देखेंगे क्लियर सो so, यहाँ पे इंसर्ट चार्ट ग्रुप से आपने अभी स्कैटर चार्ट को इंसर्ट किया अब यदि सपोज मैं यहाँ से एंटर करती हूँ किस चार्ट को हिस्टोग्राम को सो so, हिस्टोग्राम भी इस तरीके का चार्ट होता है जो कि कॉलम्स के फॉर्मेट में आपको शो होता है राइट इसमें बॉक्स प्लॉट चार्ट भी होते हैं देखो जैसे ही जिस भी पर्टिकुलर चार्ट पे मेरा कर्सर पॉइंटर मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं ना नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दैट इज कॉम्बो चार्ट कॉम्बो चार्ट क्या होता है यूज दिस चार्ट टाइप टू हाईलाइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेश को हाईलाइट करने के लिए हम इस कॉम्बो चार्ट का यूज करते हैं सपोज मैंने इस कॉम्बो चार्ट पे क्लिक किया तो कॉम्बो चार्ट आपको इस तरीके से दिखेगा ठीक है ये एक तरीके का कॉलम चार्ट ही होता है बट यहाँ पे आप देखो सपोज मैं इस पर क्लिक कर लेती हूं तो आपको लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों एक साथ इस सेम चार्ट चार्ट में विजिबल हो रहे हैं तो इसीलिए इसे बेसिकली कॉम्बो चार्ट कहते हैं कि ये दो चार्ट का कॉम्बो होता है ठीक है ये कॉलम चार्ट है जिसमें अंजू मंजू रंजना कीर्ति हेमंत के मार्क्स आपको शो रहे हैं हिंदी और इंग्लिश के राइट और टोटल जो है वो लाइन चार्ट से शो रहे हैं मतलब ये जो दो कॉलम है हिंदी और इंग्लिश इनके मार्क्स तो आपको इस ब्लू और ऑरेंज बार्स से शो हो शोर है ठीक है कॉलम से शो हो शोर है लेकिन वही ये जो टोटल के मार्क्स है वो बेसिकली आपको इस ग्रे लाइन चार्ट के थ्रू विजिबल हो रहा है सो पे दो चार्ट का कॉम्बो विजिबल हो रहा है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कॉम्बो चार्ट कहते हैं इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ तो दिस इज अबाउट लाइन और एरिया चार्ट क्लिक करती हूँ मैं लाइन एरिया चार्ट पे तो देखो आपको डिफरेंट लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग विजिबल होगी थिंग्स ठीक है चार्ट में देखो आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है लाइन चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर एरिया चार्ट चाहते हो तो यहाँ पे टू एरिया चार्ट भी आपको डिस्प्ले होगा और थ्री डी एरिया भी आपको डिस्प्ले हो रहा है ये एरिया चार्ट चार्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है तो जिस भी चार्ट पे आप क्लिक करोगे सपोज मैंने इस एरिया चार्ट पे क्लिक कर लेना है राइट right? सो so, यहां से आप उसके फॉर्मेट में आंसर देख पाओगे सपोज मैंने एरिया चार्ट, so, चार्ट इस तरीके से विजिबल होता है और इस एरिया चार्ट में सिर्फ आपको क्या दिख रही है टोटल टोटल वाला जो मार्क्स है वही विजिबल हो रहे हैं हर एक स्टूडेंट के मतलब कुल मिला के ये जो एरिया चार्ट है वो लाइन स्केटर का ही कॉम्बिनेशन होता है

इसी के साथ और डिफरेंट चार्ट्स जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं उन्हें भी डिस्कस कर ही लेते हैं दिस इज़ अबाउट नॉर्मल कॉलम चार्ट जिसे आप बार चार्ट के नाम से भी जानते हो सो कॉलम चार्ट देखो आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से विजिबल होंगे क्लियर ये कॉलम चार्ट है ये स्टैग्ड फॉर्मेट में कॉलम चार्ट है ठीक ये थ्री डी कॉलम चार्ट है जिसमें थ्री डी फॉर्मेट में आपको फिगर्स दिख रहे हैं क्लियर क्लस्टर्ड वे में दिस इज़ बार चार्ट टू डी बार चार्ट उसी तरीके से थ्री डी बार चार्ट भी आपको शो होगा क्लियर तो जो भी आपका डेटा सिलेक्टेड होगा ना बेसिकली उस पर ही आपको ये शो होंगे सपोज मैंने यहाँ पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया है और इन चार्ट्स को पहले हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं अब मैंने यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट किया हुआ और यहाँ से हम बार चार्ट को देखते हैं ठीक है तो आप यहाँ से कॉलम और बार चार्ट को देखोगे तो आपको इंग्लिश हिंदी टोटल सभी के लिए डिफरेंट बार चार्ट शो होंगे जैसे हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था टू डी बार चार्ट थ्री डी बार चार्ट टू डी कॉलम चार्ट थ्री डी कॉलम चार्ट स्टैक्ड फॉर्मेट में भी दिख रहा है और विदाउट स्टैक्ड भी दिख रहा है राइट ये बार चार्ट हो गया और ये आपका कॉलम चार्ट हो गया क्लियर सपोज मैंने इस नॉर्मल से कॉलम चार्ट को क्लिक कर लिया इसे सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ अंजू के हिंदी इंग्लिश टोटल के मार्क्स मंजू के हिंदी इंग्लिश टोटल के मार्क्स रंजना के हिंदी इंग्लिश टोटल के मार्क्स आपको विजिबल हो रहे हैं और फिर जैसे ही इस चार्ट पे क्लिक किया तो चार्ट डिज़ाइन आपके सामने अगेन ओपन हो गया जिस भी चार्ट को आप इंसर्ट करोगे तो उससे रिलेटेड डिजाइन आपके सामने अवेलेबल होगी नाउ सपोज अब मैं इस सेम सिलेक्टेड डेटा का जो यहां पे हमने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है सेम सिलेक्टेड डेटा का पाई चार्ट इंसर्ट करना चाहती हूँ ठीक है तो इस पाई चार्ट का क्या मतलब होता है बेसिकली एक सर्कुलर चार्ट होता है अभी तक जितने भी चार्ट्स देखें आपने लाइन एरिया कॉलम हिस्टोग्राम ठीक है इस तरीके से देखें अब पाई चार्ट इन सभी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये एट अ टाइम सिंगल ही कॉलम पे वर्क करता है सिंगल कॉलम बेसिकली बात करें तो यहाँ पे या तो ये आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर करवा सकते हो हिंदी के लिए प्रिपेयर करवा सकते हो या फिर टोटल के लिए प्रिपेयर करवा सकते हो ठीक है सो सपोज मैंने क्या करना है यहाँ पर इस पाई चार्ट पे क्लिक करना है और डिफरेंट पाई चार्ट के वर्जन आपको यहाँ मिल जाने कि पाई चार्ट आप कितने तरीके से कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हो दिस इज अबाउट डोनट चार्ट पाई चार्ट का ही एक एक्सटेंशन होता है डोनट चार्ट भी राइट सो डोनट चार्ट भी इस तरीके से दिख रहा है ये पाई चार्ट में आप एट अ टाइम सिंगल सब्जेक्ट लोगे तो डोनट चार्ट में आप एक से ज्यादा वैल्यूज को यहाँ पे ले सकते हो सो दिस इज अबाउट डोनट चार्ट क्लियर सो so, हम यहाँ पे दोनों चार्ट को एक्सेस करते हैं सपोज सबसे पहले मैंने पाई चार्ट पर क्लिक किया दिस इज टू डी पाई चार्ट This is 2D pie chart. अब यहां देखो मैंने जैसे बताया कि आप ये एट अ टाइम सिंगल कॉलम के लिए ही वर्क करता है तो ये टू डी पाई चार्ट सिर्फ इंग्लिश के मार्क्स को ये जो इंग्लिश के मार्क्स है सिर्फ इसी को शो कर रहा है और यहाँ जितने सेक्शन हुए ना इस सर्कल के ये सर्कुलर चार्ट है इसके जितने भी सेक्शन हुए हैं तो टोटल आपको पांच सेक्शन दिख रहे हैं जो इन स्टूडेंट के नेम्स को डिस्प्ले कर रहा है अंजू मंजू रंजना कीर्ति हेमंत को कलर वाइज अंजू ब्लू कलर डार्क ब्लू कलर से दिख रहा है आपको अंजू के मार्क्स सिक्सटी फाइव है तो सिक्सटी फाइव मार्क्स के अकॉर्डिंग फील्ड है उसी के साथ मंजू के मार्क्स सेवेंटी सिक्स है तो मंजू ऑरेंज कलर से आपको यहाँ दिख रहा है जो 65 से थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ सेक्शन दिख रहा है रंजना सेवेंटी एट मार्क्स से है तो ग्रे कलर से रंजना आपको पे शो हो रहा है सर्कल में ठीक है जिसके मार्क्स सेवेंटी एट है इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा एरिया फील्ड दिख रहा है कीर्ति येलो कलर से कीर्ति के की मार्क्स फिफ्टी सिक्स है तो इन सभी से थोड़े से लेस एरिया यहाँ पे आपको फील्ड दिख रहा है हेमंत सेवेंटी सेवन तो लाइट ब्लू कलर से आपको यहाँ पर हेमंत का सेक्शन भी शो हो रहा है तो पाई चार्ट एक सिंगल कॉलम के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है बेसिकली इस तरीके से आपको सर्कुलर चार्ट शो होता है सपोज आपको यहाँ पर डोनट चार्ट शो करवाना है पाई चार्ट का ये एक्सटेंशन है तो इस डोनट चार्ट में बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना होगा टेबल सिलेक्ट करनी होगी जिसके लिए आपको डोनट चार्ट प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे हम प्रिपेयर करना चाहते हैं डोनट चार्ट मल्टीपल कॉलम्स के लिए तो डोनट चार्ट पे मैंने क्लिक किया अब देखो आप जैसे ही मैंने डोनट चार्ट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो डोनट के फॉर्मेट में एक चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें आप हिंदी इंग्लिश टोटल तीनों के लिए आपको तीन सर्कल्स दिख रहे हैं आउटर सर्कल मिडिल सर्कल और इनर सर्कल ये तीनों आपके हिंदी इंग्लिश टोटल के मार्क्स को इंडिकेट कर रहे हैं समझ में आई बात और जो कलर्स हैं वो सिमिलरली जैसे पाई चार्ट में आपने देखा पांचों स्टूडेंट को इंडिकेट कर रहे हैं बिल्कुल वही

स्टाइल में जिस डिजाइन में आप चार्ट चाहते हो सपोज ये डिजाइन मैंने सेलेक्ट किया तो इस डिजाइन में आपको ये चार्ट विजिबल हो रहा है इसी के साथ यहाँ पे आपको हर एक चार्ट के साथ तीन ऑप्शंस दिखते हैं चार्ट एलिमेंट को आपको ऐड करना है रिमूव करना है तो आप यहां से भी कर सकते हो इस प्लस सिंबल से जो आपको चार्ट एरिया में सबसे टॉप पे टॉप राइट कॉर्नर पे दिख रहा है इसी के साथ यदि आपको चार्ट में स्टाइल सेट करना है कलर स्कीम वगैरह बदलनी है तो आप यहाँ से इस ब्रश वाले सिंबल से सेट कर सकते हो साथ ही यहाँ पे आपको कोई फिल्टर अप्लाई करना है तो आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो मीन्स आप चार्ट को एडिट भी कर सकते हैं क्लियर सो so, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलते हैं और आप इन्हें इस फॉर्मेट से भी एक्सेस कर सकते हो यहाँ भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फिल करने के लिए एडिट करने के लिए चार्ट में एलिमेंट्स एड करने के लिए क्लियर सो होप आपको इतना तो अच्छे से अभी समझ में आ गया कि चार्ट इंसर्ट कैसे करना है कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं है ना और जैसे ही चार्ट पे आप क्लिक करते हो तो आपको चार्ट डिजाइन और चार्ट का फॉर्मेट विजिबल हो जाता है आप चार्ट में एलिमेंट को कैसे ऐड करना है रिमूव करना है साथ ही अब चार्ट में एडिटिंग फॉर्मेटिंग कैसे करना है किस तरीके से आप इसमें एलिमेंट को ऐड कर सकते हो रिमूव कर सकते हो क्या क्या चार्ट के कॉम्पोनेट हो सकते हैं आप वो जान लेते हैं राइट तो मैं सारे चार्ट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ फिलहाल और हम एक सिंपल सा चार्ट यहां पे इंसर्ट करते हैं जो कॉमन चार्ट है जिसके थ्रू आप इजिली डेटा को एनालाइज कर सकते हो दैट इज कॉलम चार्ट राइट तो यहां से मैं एक सिंपल सा कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लेती हूँ क्लियर सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लिया है राइट अब इस चार्ट में एडिटिंग फॉर्मेटिंग कैसे करनी है कॉम्पोनेंट्स को कैसे ऐड करना है क्या क्या कॉम्पोनेट हो सकते हैं और चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट टैब का कैसे यूज करना है है ना जिसके बारे में अभी हमने जाना वो देख लेते हैं सो so, इसके लिए हमें चार्ट डिजाइन टैब पर आना है और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन देखेगा एड चार्ट एलिमेंट चार्ट में यदि आपको कुछ एलिमेंट्स को एड करना है सो so, आप यहाँ पे एक्सेस ऐड करना चाहते हो एक्सेस में कोई चेंजेस करना चाहते हो ठीक है प्राइमरी और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो एक्सेस आपको बदलनी है देखो प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे जाती हूँ मैं या प्राइमरी वर्टिकल पे जाती हूँ तो आपको एक्सेस बदलती हुई दिखेगी प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे कर्सर मूव किया या प्राइमरी वर्टिकल पे मूव किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके लेआउट में आपको चेंजेस दिख रहे हैं क्लियर मोर एक्सेस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप और चेंजेस कर सकते हो एक्सेस टाइटल यदि आपको टाइटल ऐड करना है तो आप टाइटल भी ऐड कर सकते हो सपोज आपको टाइटल ऐड करना है और वो उसके लिए भी जो लेआउट आप सिलेक्ट करना चाहते हो प्राइमरी हॉरिजोंटल और प्राइमरी वर्टिकल कहाँ आपको टाइटल ऐड करना है हॉरिजोंटल एक्सेस पे टाइटल ऐड करना है वर्टिकल एक्सेस पे सपोज हमें हरिजोंटल एक्सेस पे टाइटल ऐड करना है हॉरिजोंटल एक्सेस पे टाइटल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे अब आप क्या लिख सकते हो इसका टाइटल लिख सकते हो कि इस एक्सेस पे आपको क्या शो हो रहे हैं नेम शो हो रहे हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स राइट आई बात समझ में ऐसे आप सभी चार्ट में कर सकते हो सिमिलरली यदि आपको एक्सिस का भी टाइटल शो करना है तो आप यहाँ पर प्राइमरी वर्टिकल पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे वर्टिकल साइड में आपको टाइटल शो होगा और यहाँ पर भी अब आप टाइटल को ऐड कर पाओगे राइट सपोज यहाँ पे मैं अब एंटर करती हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ओके सो होप इतना अच्छे से समझ में कि यहाँ पे आप एक्सिस का टाइटल सेट कर सकते हो

हो जाएंगे ठीक है सो जैसा आपको फॉर्मेट करना है बेसिकली आप यहां से फॉर्मेटिंग कर सकते हो सपोज हमने पे पे चार्ट चार्ट किया अब आप जो आपको चार्ट का टाइटल टाइटल लिखना है आप वो से सेट कर सकते हो राइट राइट आई स्टूडेंट का डेटा बेसिकली यहां पे इस चार्ट के थ्रू आपको शो किया जा रहा है आप चाहो तो यहाँ जो टेबल का नाम लिखोगे वो भी एज अ चार्ट टाइटल सेट हो सकता है नाउ डेटा लेबल्स यदि आपको ऐड कर रहे हैं तो आप डेटा लेबल्स भी ऐड कर सकते हो जिस जगह पर आपको कोई लेबल ऐड करना है एक्चुअल में तो वो लेबल भी आप ऐड कर सकते हो आपको सेंटर में ऐड करना है डेटा लेबल इस तरीके से मतलब एक्चुअली जो पॉइंट्स हो रहे हैं वो किस जगह पर शो रहे हैं इनसाइड द एंड एकदम एंड में आपको शो करना है बीच में एकदम शो करवाना है या बेस में एकदम बेस वाली लाइन में विजिबल करवाना है आउटसाइड द एंड जहाँ पे आपकी बार सैंड हो रही है उसके ऊपर आपको शो करवाना है या कैलाउट्स के फॉर्मेट में आपको शो करवाना है तो डेटा लेबल्स आप बेसिकली इस तरीके से शो करवा सकते हो सपोज हमें आउटसाइड एंड पर डेटा लेबल्स को शो करवाना है राइट तो आपने यहाँ से आउटसाइड एंड सेट कर लिया तो अब यहाँ पे देखो आपको डेटा लेबल्स भी विजिबल हो रहे हैं कि ये जो बार है वो किस डेटा लेबल के अकॉर्डिंग क्रिएटेड है सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन वन थर्टी टू मार्क्स के अकॉर्डिंग ये डेटा लेबल्स हमने यहाँ सेट कर दिए ठीक नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डेटा टेबल के बारे में तो डेटा टेबल भी आपको यदि लीजेंट कीज के साथ विजिबल करवाना है लीजेंड कीज जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको बेसिकली की इंग्लिश हिंदी टोटल ही लीजेंड्स ही है ठीक है so सो इसे आप किस तरीके से विजिबल करवाना चाहते हो कीज के फॉर्मेट में या नो लीजेंड कीज के फॉर्मेट में कीज के फॉर्मेट में विजिबल करवाना चाहते हो तो देखो इस तरीके से आपको शो होगा जैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है और नो लेजेंट कीज के की अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आपको कलर विजिबल नहीं होंगे नॉर्मल इस तरीके से चार्ट दिखेगा तो लीजेंड आपको शो करवाना है नहीं शो करवाना है कीस के साथ शो करवाना है विदाउट कीस के साथ शो करवाना है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ट का लेआउट आप बेसिकली कैसा चाहते हो क्लियर सो डेटा टेबल में आप टेबुलर फॉर्मेट में जो टेबल आपने यहाँ पर क्रिएट किए वो टेबल के साथ में आप देखो ये टेबल के साथ में सपोज मैंने विथ लीजेंड पर क्लिक कर लिया तो आप देखो जो टेबल हमने क्रिएट करी थी उस टेबल के साथ में आपको पे ऊपर चार्ट रहा है तो ये जो लेआउट है बेसिकली ये लेआउट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है डेटा को एनालाइज करने में कंपेयर करने में टेबुलर डेटा के साथ में आपको क्या दिख रहा है चार्ट विजिबल ना इसे नहीं देखना है आपको डेटा टेबल को हटाना है तो आप यहाँ से नन भी सेट कर सकते हो क्लियर सो नन सेट करने से क्या हुआ देखो वो हट गया राइट right? ना डिस्प्ले करवाइन को, को आप ग्राफ्स वगैरह में देखते न, वैसे ही ग्रिड लाइन आपको यहाँ विजिबल होती है देखो जिस भी ग्रिड लाइन पे मेरा कर्सर मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइमरी मेजर हारिजोंटल तो सिर्फ हॉरीजोंटल लाइन आपको विजिबल हो रही है दिख रही है सिर्फ हॉरिजोंटल लाइन वर्टिकल पे आती हूँ तो आपको सिर्फ वर्टिकल लाइन दिखेंगी माइनर हॉरिजोंटल पे आती हूँ तो सिर्फ हॉरिजोंटल लाइन दिखेंगी देखो अब यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन नहीं दिख रही सिर्फ हॉरीजोंटल लाइन दिख रही है वर्टिकल पे गई तो वर्टिकल लाइन आपको विजिबल हो रही है माइनर वर्टिकल पे आती हूँ तो सिर्फ आपको वर्टिकल लाइन इस तरीके से विजिबल होंगी राइट right? तो ये अलग अलग तरीके से ग्रिड्स आप यहाँ विजिबल करवा सकते हो जैसे आपको करवानी है जहां मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है जिस भी ऑप्शन पे उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट में ग्रिड लाइन के अकॉर्डिंग चेंजेस दिख रहे होंगे मोर ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे तो इसके अलावा और भी जो ग्रिड लाइन के फॉर्मेट होते हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे लीजेंड ऐड करना है नहीं करना है तो यहाँ से आप वो फैसिलिटी एक्सेस कर सकते हो लीजेंड आपको किस जगह पर एक्सेस करना है नहीं एक्सेस करना है तो देखो यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश के मार्क्स लिखे हुए थे अच्छा फिर से देखो यहाँ पे मैं लीजेंड पे बाहर आ जाती हूँ ठीक है तो ये देखो आपको ये लीजेंट एरिया दिख रहा है यहाँ पर अभी लीजेंट विजिबल नहीं करवाना है तो लीजेंट पे आकर आप नन पे क्लिक करोगे तो वो हट जाएगा चार्ट से राइट right साइड में चाहते हो चार्ट के राइट right साइड में तो आपको चार्ट के राइट right साइड में विजिबल हो रहा है जैसे आप देख रहे हो टॉप पे चाहते हो तो टॉप पे लीजेंट विजिबल हो रहा है लेफ्ट साइड पे चाहते हो चार्ट के तो लेफ्ट साइड में विजिबल हो रहा है बॉटम में चाहते तो हो तो बॉटम में विजिबल होगा तो लीजेंट का पोजिशन भी आप सेट कर सकते हो कि चार्ट में लीजेंट आपको कहा दिखना चाहिए सो so, इसी के साथ ये सारे ऑप्शन यहाँ पे कॉम्पोनेट्स चार्ट के होते हैं जिन्हें आप एड कर सकते हो रिमूव कर सकते हो डिलीट कर सकते हो एक्सेस एक्सेस टाइटल चार्ट टाइटल डेटा लेबल डेटा टेबल ग्रिड लाइन लीजेंड्स ये मोर इंपॉर्टेंट चार्ट के कॉम्पोनेट होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है सो चार्ट के कॉम्पोनेट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए कि चार्ट के एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं अब यदि आप यहाँ पे लेआउट बदलना चाहते हो ठीक है तो आप देखो यहाँ पे इसका लेआउट भी बदल सकते हो क्विक लेआउट में आपको कुछ बने बनाए लेआउट विजिबल हो रहे हैं जो लेआउट आपको अच्छा लगता है वो लेआउट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो टोटल इलेवन लेआउट्स आपको यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं जिस भी लेआउट पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ट में चेंजेस शो हो रहा है है ना उसके अकॉर्डिंग बेसिकली आपको चार्ट डिस्प्ले हो रहा है जो लेआउट आपको यहाँ से अच्छा लगेगा वो लेआउट बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हो क्लियर नाउ चेंज कलर्स आप कलर्स को भी बदल सकते हो यहाँ पर जो कलर्स आप देख रहे हो ना ये कलर्स भी कॉलम्स के आप बदल सकते हो जो बेसिकली आपको यहाँ पे ग्रे ब्लू और ऑरेंज बार्स दिख रही है इनके कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कलर पैलेट इवन आप यहाँ पे कलर को कस्टमाइज भी कर सकते हो जो कलर आपको अच्छा लगता है उसे बेसिकली आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो सपोज मैंने यहाँ पे ये कलर स्कीम को सिलेक्ट कर लिया तो देखो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग शो हो रहा है ये कलर स्कीम सेलेक्ट करूंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज विजिबल होंगी जैसे कलर स्कीम आप सिलेक्ट करोगे वैसे बेसिकली आपको चार्ट डिस्प्ले होगा राइट right? So, आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो चार्ट का और यहाँ से चार्ट का स्टाइल भी बदल सकते हो सपोज मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर दिया नाउ आप यहाँ से आप रो कॉलम को स्विच भी कर सकते हो जो बेसिकली आपको यहाँ चार्ट में कॉलम्स दिख रहे हैं इन कॉलम्स को आप स्विच भी कर सकते हो तो स्विच करना है तो उसके लिए आपने स्विच रो और कॉलम पे क्लिक करना है तो आप देखो यहाँ पे रो कॉलम अब स्विच हो चुके हैं मतलब इंग्लिश के मार्क्स हिंदी के मार्क्स टोटल मार्क्स सब आपको सेपरेट वे में शो हो रहे हैं पहले आपको ऑल फाइव स्टूडेंट्स की इंग्लिश के मार्क्स शो हो रहे हैं देन उसके बाद हिंदी देन आपको टोटल मार्क्स शो हो रहे हैं राइट तो इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो रो कॉलम को चार्ट में राइट जैसे आपको सही लगता है वैसे आप यहाँ पे कर सकते हो बाई यूजिंग दिस स्विच रो और कॉलम ऑप्शन डेटा यदि आपको सिलेक्ट करना है, है ना तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है सपोज आपको कोई रेंज सिलेक्ट करनी है यहाँ से या रेंज बदलनी है तो दिस इज़ अगेन पॉसिबल कि यहाँ से आप रेंज को हटा भी सकते हो यहाँ से आप रेंज को ऐड भी कर सकते हो क्लियर इवन आप यहाँ पे डेटा को भी सिलेक्ट कर सकते हो रेंज भी इस चार्ट में और इंक्लूड करवा सकते हो या रेंज को आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो कैसे सपोज इस टेबल में मैंने चेंजेस किया यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट और एड कर दिया किरण उसके भी मैंने यहाँ पर मार्क्स एंटर कर दिए क्लियर सपोज मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर देती हूँ लाइक like इस तरीके से टोटल भी कैलकुलेट हो गया है ना और दो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ राहुल now उसको हम कर लेते हैं proper border से format तो अब अभी तक ये जो chart है basically वो आपको five students का data show कर रहा अंजू, अंजू, है अंजू मंजू रंजना कीर्ति हेमंत अब आप पर रेंज बढ़ाना चाहते हो क्योंकि आपके टेबल में आपने दो एंट्रीज और कर दी हैं सो so, आप इस चार्ट को सिलेक्ट करोगे चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद चार्ट डिजाइन में आपको इस सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करना होगा स्विच रो कॉलम के पास में सिलेक्ट डेटा पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहां से आप रेंज को इनक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो राइट सो so, अब यहाँ पे आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रेंज को एक्सटेंड कर दिया किरण और राहुल तक बस आपको क्या करना है यहाँ पे सिलेक्शन करना है सो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर रेंज सिलेक्ट हो चुकी पहले रेंज ए थ्री से लेकर डी एट तक थी अब यहां पे जो रेंज आप देख रहे हो वो ए थ्री से कहां तक है डी टेन तक है राइट तो ए थ्री से डी टेन तक आपको यहाँ पे रेंज शो हो रही जो हमने की है इसी के साथ आप स्विच रो कॉलम यहाँ से भी कर सकते हो जो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिला था वो इस डायलॉग बॉक्स में भी सिलेक्ट डेटा सोर्स में भी आपको मिलेगा तो सिलेक्ट डेटा सोर्स के थ्रू आप जो सोर्स यहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो वो सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो जिसके थ्रू आप चार्ट पे डेटा को विजिबल करवाना चाहते हो साथ ही स्विच रो कॉलम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रो कॉलम को स्विच भी कर सकते हो या नया रो कॉलम भी आप यहाँ से एड कर सकते हो भाई नया रो कॉलम भी आप यहाँ से एड कर सकते हो नाउ क्लिक ऑन ओके ओके पे जैसे क्लिक करूंगी तो आप देखो यहाँ पर अभी तक हेमंत तक डेटा आपको आपको शो रहा था उसके बाद अब यहाँ पर किरण उसके बाद आपको यहाँ पर आप किरण और राहुल दोनों स्टूडेंट के लिए भी डेटा विजिबल हो रहा है राइट right? जो दो हमने यहाँ पे एंट्रीज की किए आप यहाँ पे कॉलम्स को भी और इंक्रीज कर सकते हो सपोज मैं यहाँ पे कोई कॉलम ऐड करती हूँ है ना तो उसके लिए मैंने एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है किधर इंसर्ट कर लिया लेफ्ट साइड में और यहाँ पे मैंने आई के मार्क्स इंक्लूड कर दिए स्टूडेंट्स के आई के मार्क्स सपोज मैंने एंटर कर दिए क्लियर सो ये मैंने कुछ मार्क्स यहाँ पे आई के इंक्लूड कर दिए क्लियर अब आपको अगेन डेटा सोर्स सिलेक्ट करना होगा आप चाहते हो कि आई वाले कॉलम का भी ग्राफ आपको यहाँ पे चार्ट में शो हो जाए सो so, क्या करना है आपको टेबल सिलेक्ट करना है अगेन चार्ट डिजाइन पे जाना है और यहाँ से सिलेक्ट डेटा करना है और रेंज अब आपने सिलेक्ट कर लेनी है वापस तो जो रेंज सिलेक्टेड है वो देखो उतनी रेंज आपको यहाँ पे डॉटेड फॉर्मेट में शो हो रही है ना? लेकिन आई टी सिलेक्टेड नहीं है तो वो वाला कॉलम अभी सिलेक्ट शो नहीं हो रहा है सो अब यहाँ से आप अपना डेटा सोर्स बदल सकते हो सिलेक्ट करके सो so, आप देखो यहाँ पे आई टी वाले कॉलम को भी हमने इंक्लूड कर लिया है सो so, यहाँ पे अब जो रेंज है वो ए थ्री से लेकर ई टेंथ तक आपको शो हो रही है ए थ्री से ई टेंथ तक नाउ क्लिक ऑन ओके सो अब यहाँ पे जो बार्स थी वो बेसिकली थ्री बार्स थी इंग्लिश हिंदी और टोटल की अब इंग्लिश हिंदी और आई टी तीनों के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे बार्स हो रही है और उसके कलर लीजेंड्स भी बेसिकली यहाँ शो हो रहे हैं ठीक है सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कलर हम यहाँ से थोड़ा सा बदलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा देखो अब आपको ग्रे कलर आई के लिए इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर ठीक है फोर बार्स आपको विजिबल हो रही है सो so, होप आपको ये सारे ऑप्शंस ना अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि यदि किसी चार्ट को आपको फॉर्मेट करना है उसमें कुछ एडिटिंग स्टाइल्स कलर्स कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है तो आप कैसे कर सकते हो चार्ट डिजाइन जो टैब है ना वो तभी विजिबल होगा जब आप चार्ट इंसर्ट करोगे ओके अदरवाइज ये विजिबल नहीं होगा ये ध्यान रखना ये ऑप्शन आपको तभी दिखेंगे चेंज चार्ट टाइप ये भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आपने जो ये चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है ना इस चार्ट का टाइप बदल सकते हो मतलब ये कॉलम चार्ट यहाँ पे विजिबल हो रहा है सपोज इस चार्ट का टाइप बदल के आपको क्या करना है इस चार्ट का टाइप बदल के आपको स्कैटर चार्ट करना है या एरिया चार्ट करना है ओके सपोज एरिया चार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया तो एरिया चार्ट आपको इस तरीके से विजिबल होगा नाउ क्लिक ऑन ओके तो देखो अब ये जो डेटा है आपको एरिया चार्ट के अकॉर्डिंग विजिबल हो रहा है या फिर आप यहाँ से कोई और चार्ट सेलेक्ट करना चाहते हो सपोज मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ लाइन चार्ट तो मैंने यहाँ लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लिया ओके किया तो अब देखो ये लाइन चार्ट आपको यहाँ शोर है लाइन चार्ट से आपको एरिया चार्ट इजिली समझ में आएगा क्योंकि इतना इतना एरिया बेसिकली यहाँ फिल किया था हमने राइट सो यहाँ पे अब आप आपको फोर लाइंस दिख रही है जैसे अभी फोर कॉलम्स दिख रहे थे ना कॉलम चार्ट में यहाँ पे अब आपको फोर लाइंस विजिबल हो रही हैं क्लियर जो हिंदी इंग्लिश आईटी और टोटल मार्क्स को इंडिकेट कर रही है सो चार्ट का टाइप आप एक बार चार्ट क्रिएट करने के बाद भी बदल सकते हो चेंज चार्ट टाइप ऑप्शन के थ्रू क्लियर यदि आपको इस चार्ट को मूव करवाना है

बाहर की साइड इंक्रीज करती हूँ ड्रैग करके माउस के लेफ्ट बटन से तो इसका साइज इंक्रीज़ हो गया उसी तरीके से ये तो कॉर्नर हैंडल्स की बात हुई ये जो आपके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे हैंडल्स होते हैं तो आप इस तरीके से भी चार्ट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो राइट सो so ये जो एट हैंडल्स होते हैं ना बेसिकली चार्ट के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं अब सपोज चार्ट को आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है ठीक है आप चाहते हो कि टेबल भी पूरी दिखे चार्ट भी पूरा दिखे तो आप इस चार्ट को क्लिक करोगे ये जो आपको एरो वाला सिंबल दिख रहा है ये आएगा तभी आपको माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और जिस जगह आपको चार्ट प्लेस करना है उस जगह पर आप ले जाके माउस का लेफ्ट क्लिक बटन रिलीज कर दो अब मैंने रिलीज कर दिया माउस का लेफ्ट क्लिक बटन तो यहाँ पे चार्ट सेट हो चुका है आई बात समझ में क्या करना है चार्ट पर लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है देन माउस को ड्रैग करना है जिस भी पोजीशन पे आप चार्ट को लोकेट करना चाहते हो और मूव करना चाहते हो उस जगह पर आकर माउस बटन रिलीज कर देना तो चार्ट उस जगह पर मूव कर जाएगा सिमिलरली आप चार्ट को एक शीट से दूसरी शीट पर मूव करना चाहते हो सो दिस इज अगेन पॉसिबल जिसके लिए आप कट पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हो बात कर रही हूँ मैं चार्ट को इस जगह से दूसरी शीट पे मूव करना चाहती हूँ या दूसरी वर्कबुक में मूव करना चाहती हूँ आपको चार्ट को यहाँ सिलेक्ट करना है कंट्रोल एक्स से इसे कट कर लेना मैंने प्रेस किया तो चार्ट कट हो गया या फिर आप यहाँ पे आकर क्लिप से कट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना या फिर आप चार्ट पर राइट क्लिक करोगे तो भी कट ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल होगा सपोज शीट थ्री पर, शीट पर पर आकर मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है ये शीट हमने स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्कस किया था प्रीवियस चैप्टर में यहाँ पे जिस जगह पर आपको पेस्ट करना है वहां पे आपने सेल सिलेक्ट कर लेना है और अब आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे देखो मैं कंट्रोल वी पेस्ट कर रही हूँ तो चार्ट आपका शीट फोर से ये शीट फोर है जहाँ पे चार्ट था वो यहाँ से मूव हो चुका है शीट थ्री पर अब चार्ट आ चुका है यहाँ बॉटम से आप देखो शीट फोर और शीट थ्री आपको शो रहा है शीट फोर पे हमने ये टेबल बनाई थी स्टूडेंट की जिसमें नेम इंग्लिश हिंदी आईटी टोटल मार्क्स थे है तो ना यहाँ से मैंने चार्ट को कंट्रोल एक्स से कट किया और शीट थ्री पर आकर मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया तो पेस्ट करने के भी वही सारे तरीके होते हैं सपोज मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करती हूँ और अब यदि पेस्ट करना है तो क्लिप से मैं इस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो भी चार्ट पेस्ट हो जाएगा या फिर मैं क्या कर सकती हूँ या फिर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तब भी चार्ट पेस्ट हो जाएगा उस जगह पर पेस्ट हो जाएगा जिस जगह पर आप चाहते हैं उस सेल को को आपको सेलेक्ट करना होगा इवन चार्ट के अंदर के अंदर भी आप बदल सकते हो देखो इससे भी आप रोटेट मूव जहां जैसे आपको सेट करना है वैसे आप कर सकते हो क्लियर सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि चार्ट को आप कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अब सपोज हम इस चार्ट की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं मल्टीपल कॉपीज अभी तो शीट फोर ये शीट फोर है यहां से चार्ट हमने मूव कर लिया शीट थ्री पर ठीक है अब मैं चाहती हूँ इस चार्ट की आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करो तो अब इसके लिए आपको क्या करना है चार्ट को कॉपी करना होगा तो कॉपी करने के लिए आप इस क्लिपबोर्ड से कॉपी ऑप्शन पे क्लिक कर लो चार्ट को पहले सिलेक्ट करो क्लिपबोर्ड से कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करो या कंट्रोल सी को प्रेस करो इसकी शॉर्टकट कर की कंट्रोल सी होती है या फिर इस चार्ट पर राइट क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ पे टॉप पे कॉपी ऑप्शन मिल जाना है इस पर भी क्लिक कर सकते हो कॉपी करने के बाद हम शीट फोर पे वापस आते हैं और यहाँ पे चार्ट को पेस्ट कर लेते हैं पेस्ट करने के अगेन वही तरीके कंट्रोल वी

तो यहां भी चार्ट आ जाएगा तो अब देखो शीट वन सिलेक्टेड है उस पर भी आपको चार्ट विजिबल हो रहा है शीट टू पर भी आपको चार्ट दिख रहा है शीट थ्री पर मैंने सेलेक्ट किया वहां भी चार्ट दिख रहा है शीट फोर पर भी आपको चार्ट विजिबल हो रहा है तो आपने एक जगह से चार्ट को कॉपी किया और उसकी मल्टीपल कॉपीज आपने हर एक शीट पर क्रिएट कर दी है। तो कॉपी और कट में डिफरेंस आपको हो अच्छे से समझ में आ गया है कि चार्ट को यदि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना है तो आप यहाँ पे कट पेस्ट का यूज कर सकते हो या फिर आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो ये मूव चार्ट की मदद से भी आप नई शीट पे चार्ट मूव करा सकते इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं अब हम फॉर्मेट टैब को फॉर्मेट फॉर्मेट कर सकते हो इजी वे में जस्ट so, बाद यदि कोई शेप इंसर्ट करना है चार्ट में सपोज मुझे यहाँ पे कोई टेक्स बॉक्स इंसर्ट करना है या कोई सर्कल इंसर्ट करना है सो so, जो भी शेप आपको यहाँ से इंसर्ट करना है वो शेप आपने सेलेक्ट कर लेना है शेप सेलेक्ट करने के बाद देखो आप यहाँ पर जैसे चार्ट एरिया पे आओगे तो पॉइंटर बदल जाएगा पॉइंटर आपका इस तरीके से प्लस सिंबल में बदल गया मतलब अब यहाँ पर आप कोई शेप इंसर्ट कर सकते हो सपोज मुझे सर्कल इंसर्ट करना था तो मैंने यहाँ सर्कल इंसर्ट कर लिया राइट right. इस शेप को आप फॉर्मेट भी कर सकते हो शेप यदि बदलना है तो एडिट शेप पे गए चेंज शेप में आपको देख सारे शेप्स आपको यहाँ विजिबल हो जाएंगे जिस भी शेप पे आपको क्लिक करना है जो शेप आपको लगता है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंजेस कर सकते हो सपोज मुझे इस शेप के अकॉर्डिंग चेंजेस करने है तो मैंने इसे ऐड कर लिया इवन आप शेप का कलर भी बदल सकते हो पॉइंट्स बदल सकते हो सारे ऑप्शन आपको यहाँ विजिबल होते हैं जैसे वर्ड में विजिबल होते हैं ना बिल्कुल वैसे ही टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो आपको कुछ एंटर करना है डेटा तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी नया यहाँ पर ऐड कर सकते हो राइट शेप का स्टाइल बदल सकते हो जो शेप मैंने यहाँ ऐड किया उस शेप का स्टाइल आपको जैसा रखना है जैसे देखो ब्लैक स्टाइल यहाँ पर सिलेक्टेड है ब्लू ऑरेंज जो स्टाइल आपको यहाँ अच्छा लगेगा उस स्टाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हो सपोज मैंने ये स्टाइल सिलेक्ट कर लिया सो so, उसके अकॉर्डिंग अब ये शेप शो हो रहा है शेप को फिल करना है किसी और कलर से आप यहाँ से कलर भी फिल कर सकते हो जिस भी कलर पर मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कलर देखो आपको विजिबल हो रहा है ठीक है सपोज ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लेना है या ये कलर सेलेक्ट कर लेना है जो कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो शेप के लिए क्लियर नाउ शेप की आउटलाइन आप सेट कर सकते हो शेप का आउटलाइन कलर जैसा आपको रखना है जिस कलर का आपको शेप का आउटलाइन रखना है वैसा आप शेप का आउटलाइन कलर सेलेक्ट कर सकते हो शेप में यदि इफेक्ट्स डालना है आपको शेडो इफेक्ट्स में दिखेगा शेप किस तरीके से आप, आपको शेप सेलेक्ट करना है सो शेप आपका उस तरीके से विजिबल होगा शेडो इफेक्ट में रखना है तो शेप से रिलेटेड फॉर्मेटिंग भी सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाने सिमिलरली आपने यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं आपको जो आपने नीम सेट किया है लीजेंट सेट किया हुआ है है ना उसकी भी वर्ड स्टाइल्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो वर्ड स्टाइल यहाँ पे ब्लैक कलर से सेट हो सकती है ब्लू कलर से सेट हो सकती है तो उसके लिए पहले आपको चार्ट को सेलेक्ट कर लेना है चार्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पे आना है और फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे आप जो भी वर्ड स्टाइल पे जाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे जैसे मैंने ब्लू वर्ड स्टाइल पे मेरा पॉइंटर मूव कर रहा है तो ब्लू वर्ड स्टाइल के अकॉर्डिंग आप देखो चार्ट में जो भी लिखा हुआ है डेटा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है फॉर्म्स वगैरह लिखे हुए वो वर्ड आपके ब्लू कलर में सेट हो गए ऑरेंज कलर पे कर्सर मूव करा ऑरेंज स्टाइल पे तो इस तरीके से सेट हो जाएंगे ब्लैक पे मूव करेगा तो ब्लैक कलर के आपको दिखेंगे टेक्स्ट यहाँ से आप वर्ड स्टाइल बदल भी सकते हो आपको जो वर्ड स्टाइल यहाँ अच्छा लगता है वो वर्ड स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो सपोज मैंने ये वाला वर्ड स्टाइल सेलेक्ट करना है ना तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया वर्ड तो स्टाइल भी यहां बदल जाएगा क्लियर आप फिल करवाना चाहते हो टेक्स्ट को किसी कलर से तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को फिल भी करवा सकते हो टेक्स्ट फिल ऑप्शन के थ्रू आप टेक्स्ट को फिल कर सकते हो जैसे अभी ये व्हाइट कलर के दिख रहा था आपको ठीक है यहाँ पे आप ब्लैक कलर से फिल करवाना चाहते हो तो ऐसे ब्लैक कलर से फिल हो जाएगा तो टेक्स्ट को फिल करवा सकते हो टेक्स्ट में भी इफेक्ट आप चाहते हो रिफ्लेक्शन वाला इफेक्ट तो आप टेक्स्ट को भी रिफ्लेक्ट करवा सकते हो शेडो चाहते हो तो शेडो फॉर्मेट में आपको दिखेगा दिस इज अबाउट रिफ्लेक्शन ठीक है सो टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी आप यहां से सेट कर सकते हो िटी इज ऑल्सो अवेलेबल पे आपने यहाँ पे ये चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है मैं आप हर तरीके की फॉर्मेटिंग डिजाइन वगैरह सेट कर सकते हूँ सारी फैसिलिटी अवेलेबल है Alt text के आप इस चार्ट पर कुछ डिस्क्रिप्शन एड करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है जैसे ऑल्ट टेक्स पे मैंने क्लिक किया अब इस चार्ट पे आप जो भी डिस्क्रिप्शन एड करना चाहते हो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा दिस चार्ट डिस्क्राइब दूडेंट

सो स्टूडेंट्स होप आपको सभी प्रैक्टिकल्स अच्छे से समझ में आए और डिफरेंट टाइप के चार्ट्स क्या होते हैं कैसे अवेलेबल होते हैं किस तरीके से आप एग्जाम में आंसर लिखकर आना है क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है अच्छे से समझ में आ गया होगा राइट सो मैग्नेट ब्रेन आपको ना सिर्फ के ट्वेल्व बल्कि सीबीएसई एन टी एस सी ओलम्पिया स्पोकन इंग्लिश यूपी बिहार बोर्ड और अब तो एम बी बोर्ड की प्रिपरेशन भी करवा रहा है हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन और अब आप यदि मैग्नेट ब्रेन्स को एक्सेस करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई e बुक्स को एक्सेस करना सो so ये भी पॉसिबल किया है लिंक मिल जाएगी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिएगा जैसे क्लिक करोगे तो गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी

मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के प्रैक्टिकल के साथ टिल देन स्टे स्टेट हैपी थैंक यू सो मच